हेलो दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, हमारे सीतापुर विधानसभा के माननीय विधायक राम कुमार टोप्पो जी के विपक्ष में हमारे भूतपूर्व माननीय विधायक अमरजीत भगत संदीप हत्याकांड के मामले में क्या बोले हैं, आइए सुनते हैं। माननीय विधायक जी नया है और सैनिक का नौकरी छोड़ करके आए हैं, कई बार लेफ्ट राइट करते हुए दिखते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो कई बार सुनने को मिलता है कि रात को घूमते हैं, तो रात को घूमते हैं तो अपराध पे नियंत्रण लगना चाहिए। सीतापुर में ताला टूट जाए, इंद्रदेव सोनी के यहाँ चोरी हो गया, आज तक अपराधी नहीं पकड़े गए। हमारे आदिवासी नवयुवक संदीप लकड़ा का हत्या करके और दफन कर दिया गया, रिपोर्ट नहीं लिखा रहा था। माननीय विधायक जी के यहाँ भी गए, उन लोगों को मदद नहीं किए, भला बुरा करके डांट के उनको भगा दिए। तो एक किस प्रकार का सरकार चल रहा है, इसके बाद भी कांग्रेस को बोले कि लोगों को भड़का रहे हैं। हम तो यहाँ बैठे हैं, अंबिकापुर में बैठे हैं, आंदोलन में हैं, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी दयनीय है, सीतापुर में आदिवासी समाज के लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो आप भी तो रात रात को मृतक परिवार के घर जा रहे हैं, दिन में क्यों नहीं जाते हैं? आपको क्या ऐसा सूर चढ़ा है कि रात रात को घूमते हैं? रात को काम क्या करते हैं? रात को सोने का समय रहता है, आप रात को जाते हैं। जाना है तो दिन के उजाले में जाइए और सबके सामने बात करिए, इसके बाद आपको जवाब भी मिलेगा और आपको कर्तव्य बोध भी होगा, और आप जो अगर गलत कर रहे हैं उसका भी बोध होगा। तो दोस्तों, आप लोग देख लिए होंगे कि भूतपूर्व माननीय विधायक अमरजीत भगत संदीप हत्याकांड के मामले में क्या बोले हैं। और दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को देख ही चुके हैं और अपना राय क्या है आप लोग जरूर बताइएगा। और मेरा निवेदन हमारे माननीय विधायक राम कुमार टोप्पो भैया जी से है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, इसमें आपका क्या राय है, आप लोग अपना राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।